नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेके आए। जा दोस्तों, हम आपको बताएंगे राहुल ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि बीजेपी को लगी मिर्ची और राहुल ने बोला बीजेपी पर हमला। जा दोस्तों, सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर मायावती का बड़ा हमला। बीजेपी के ने दिए बिहार में गठबंधन टूटने के संकेत। चीन ने मोदी को दिया बड़ा झटका। ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं दोस्तों। अमेरिका ने मोदी को दी एक और चेतावनी दोस्तों। ऐसी सभी बड़ी खबरें आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल UNVTV को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले दोस्तों। और प्यार भरा लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आपको सभी खबरें बताते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर बताते हैं राहुल गांधी की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट की तस्वीर योग दिवस को लेकर, जिसपे राहुल गांधी ने आर्मी डॉग यूनिट की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में जवानों के साथ कुत्ते भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है न्यू इंडिया। राहुल के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी घमासान मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हुए। वहीं राहुल गांधी ने भी जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी के ऊपर योग दिवस को लेकर। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी दिया है नरेंद्र मोदी को झटका। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योग दिवस के कार्यक्रमों से बनाई दूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। हमेशा की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ने कहा कि वह योग तो करते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से उसके प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए बीजेपी की तरफ से। और सीधे तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को झटका दिया है, क्योंकि आपको बता दें देख सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से भी निशाना साधा गया है योग दिवस को लेकर। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी झटका दिया है सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को योग दिवस में किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना होकर के। तो अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टीडीपी के जिन दो सांसदों को बीजेपी ने बताया था आंध्र का माल्या, वो हुए पार्टी में शामिल। मायावती ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जिन दो सांसदों को कभी भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश का माल्या बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, आज वही दोनों सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां दोस्तों देख सकते हैं इसको लेकर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। टीडीपी के राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश, सीएम रमेश और वाईएस चौधरी ने वेंकैया नायडू से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसको लेकर कि आपको बता दें काफी घमासान भी मचा है। वहीं आपको मायावती की तरफ से तमाम बातें बता दें क्या क्या बातें कही गई हैं। माननीय राष्ट्रपति सरकार की तरफ से कल देश को अनेकों प्रकार के आश्वासन दे रहे थे, उसी दिन बीजेपी ने टीडीपी के चार सांसदों को तोड़ लिया। उनमें से दो को बीजेपी आंध्र का माल्या कहती है, पर अब वे बीजेपी में आकर दूध के धुले हैं। स्पष्ट है कि बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, कुछ भी गलत नहीं है। ये तमाम बातें मायावती की तरफ से कही गई हैं दोस्तों। आपको बता दें उनकी तरफ से बड़ा हमला बोला गया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सांसदों को बीजेपी तोड़ रही है लालच दे करके या डरा धमका करके, सीबीआई ईडी का जो भी धमकी दे करके उन्हें सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बड़ी बात आपको बता दें टीडीपी ने नायडू से की चारों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। टीडीपी के पांच सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से बीजेपी में शामिल होने वाले उनकी पार्टी के चार सांसदों को उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की। सूत्रों के अनुसार टीडीपी ने तीन लोकसभा और दो राज्यसभा सदस्यों ने नायडू से मुलाकात कर पार्टी से अलग हुए सांसदों की अर्जी को भी चुनौती देते हुए इसे अमान्य ठहराने की मांग की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी में शामिल होने वाले बीजेपी में शामिल होने वाले चारों सांसदों को लेकर बीएसपी ने भी अब हमला बोला है। इसको लेकर कि मायावती ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया, उसको लेकर आपको हम खबर बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ा हमला बोला है सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर, और खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है यहाँ पे सांसदों के ऊपर, चाहे वो डराने धमकाने को लेकर हो सीबीआई ईडी के द्वारा। तो देख सकते हैं उनके साफ आरोप मायावती ने लगाया कि बीजेपी में कोई भी शामिल हो जाता है, चाहे वो आप लोग देख सकते हैं चाहे जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगे हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती भी हैं, वहीं आप कोई भी शामिल हो जाए बीजेपी में जाकर दूध का धुला हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं, कोई भी जांच नहीं। तो यहाँ पे मायावती की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते हैं दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुशील मोदी ने ट्विटर पर खुद को बताया बिहार का मुख्यमंत्री। आरजेडी बोली दिल की बात जुआ पर आई। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है। आज दिल की बात जुबा पर आ गई। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक तस्वीर शेयर करते हुए सुशील मोदी ने दरअसल एक ट्वीट किया, खुद को बिहार का मुख्यमंत्री यहां तक बता दिया सुशील मोदी ने। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया जब घमासान तेज हो गया, जब विपक्षी पार्टियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बिहार के अंदर जो गठबंधन टूटने को लेकर खबरें आ रही हैं वो काफी जोर पकड़ रही हैं। एनडीए में फूट पड़ चुकी है बिहार के अंदर और नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशील मोदी ने ट्वीट किया जिसको लेकर की आरजेडी ने भी हमला बोला। वहीं आपको बता दें, आरजेडी की तरफ से भी तंज कसा गया सुशील मोदी के ट्वीट पर। मुख्यमंत्री की बनने की प्रबल इच्छा है, आज दिल की बात जुबा पर आ गई, ये बात कहनी है आरजेडी की तरफ से। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश ने अस्पताल का दौरा करने के बाद वहां अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि पीड़ितों के परिवार तक मुआवजा की राशि को वितरण में तेजी लाई जाए। वहीं आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी हैं, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री तक बता दिया, इसको लेकर कि आरजेडी काफी हमलावर हुई, क्योंकि बिहार के अंदर जो गठबंधन टूटने की खबरें वो काफी तेजी से तूल पकड़ रही है। बीजेपी ने दिए बिहार में गठबंधन टूटने के संकेत, इससे ये स्थिति साफ होती है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार को झटका देने के लिए तैयार है बीजेपी। तो अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, तीन तलाक का मामला, समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान बोले मुसलमान केवल कुरान को मानेगा। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने तीन तलाक बिल पर कहा कि मुसलमान केवल कुरान की बात सुनेगा। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है। इसको लेकर के आपको बता दें, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जब ये बिल पेश किया, इसको लेकर के ओवैसी और कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में तीन तलाक का बिल पेश किया, इस दौरान विपक्ष ने उनका जमकर विरोध किया। वहीं आजम खान का साफ कहना है, जो इस्लाम को मानेगा वो कुरान को मानेगा, जो कुरान कहता है हम वो मानेंगे, इस्लाम से ज्यादा औरत का हक किसने दिया? 1500 साल पहले सबसे पहले औरत को बराबरी का हक इस्लाम ने ही दिया था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने संसद के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस्लाम में सबसे कम तलाक होते हैं और महिलाओं के खिलाफ आपको बता दें भी हिंसा बेहद कम होती है, साथ ही ना तो उन्हें जलाया जाता है और ना ही उनकी हत्या की जाती है। यहां तक आजम खान ने तीन तलाक को लेकर ये तमाम बातें कही दोस्तों। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का चीन ने किया फिर विरोध। आपको बता दें, चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनर्जी में भारत के प्रवेश को लेकर फिर अड़ंगा लगाया है, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को दिया है झटका। चीन ने शुक्रवार को कहा कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के प्रवेश पर तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक इस समूह में परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि से बाहर के देशों की भागीदारी को लेकर एक स्पष्ट योजना तैयार नहीं हो जाती है। एक बार फिर से भाजपा सरकार को झटका दिया है सीधे तौर पर चीन ने। जी हां दोस्तों, देख सकते हो उन्होंने फिर से अड़ंगा लगा दिया है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता को लेकर, चीन ने फिर किया है विरोध। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें एनएसजी 48 देशों का एक समूह है जो वैश्विक परमाणु व्यापार का नियमन करता है। भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत द्वारा आवेदन करने के बाद पाकिस्तान ने भी साल 2016 में इसके लिए आवेदन कर दिया था। तो यहां पे देख सकते हैं, चीन ने एक बार फिर से भारत को झटका दिया है। अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका की भारत को चेतावनी, अनुचित व्यापार को लेकर कर सकते हैं अतिरिक्त कार्रवाई। ये चेतावनी दी गई है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेताया कि वह अनुचित व्यापार गतिविधियों को लेकर उसके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई कर सकता है। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है जो अतिरिक्त कार्रवाई का कारण बन सकता है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट ने बयान जारी कर यह चेतावनी दिया। यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, ट्रंप ने आंखें दिखाई हैं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को और एक बार फिर से चेतावनी दी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को बार बार चेतावनी दे रहा है ट्रंप प्रशासन। और आपको बता दें, ट्रंप भी काफी चेतावनी दे रहा है अमेरिका से भी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत यात्रा से पहले व्यापार प्रतिनिधि की चेतावनी। हाल ही में ट्रंप ने भारत से सामान्य तरजीह प्रणाली जीएसपी का दर्जा भी छीन लिया था।
भारतीय इस्पात और अल्यूमिनियम के कुछ खास उत्पादों पर आयात शुल्कों में भी वृद्धि की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में तलखियां बढ़ती हुई और ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है भारत को और नरेंद्र मोदी को। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई। देख सकते हैं एक तरफ राहुल ने ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर की घमासान मच गया और बीजेपी को लग गई मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर हमने आपको बताई सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर क्या है बड़ा राज, बड़ा खुलासा हमने आप लोगों के सामने किया। मायावती की तरफ से भी ट्वीट कर निशाना साधा गया। तो दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।